अगर हमारी वीडियो को ध्यान से देखोगे आप अच्छे से ध्यान से, ठीक है, स्किप नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे तो 150 रुपये के अंदर ये वाली प्रॉब्लम को आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। मतलब जब टक टक की आवाज़ आती है वो प्रॉब्लम ये थी। तो दोस्तों आज की वीडियो की ट्रैक्टर के सेल्फ के ऊपर, जो कभी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है जो ट्रैक्टर का हम सेल्फ लगाते हैं तब कट कट की आवाज़ आती है, स्टार्ट नहीं होता है। हमारी बैटरी के ऊपर भी हमारी शंका नहीं है कि बैटरी फुल चार्ज है, नई बैटरी है और बैटरी फुल चार्ज है, दूसरी बैटरी लगाकर देख ली फिर भी वही प्रॉब्लम करता है टक टक की आवाज़। तो इसको आप घर पर कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हमारी वीडियो को ध्यान से देखोगे आप अच्छे से ध्यान से, ठीक है, स्किप नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे तो 150 रुपये के अंदर ये वाली प्रॉब्लम को आप घर पे ही ठीक कर सकते हैं दोस्तों, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपके समझ में आएगा, आगे पीछे नहीं निकालना है, ठीक है। ट्रैक्टर कौन सा भी हो, ट्रैक्टर अगर सेल्फ उसका स्टार्ट नहीं हो रहा है, टक टक की आवाज़ कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम कौन सी, छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। आप खुद ट्राई कर सकते हैं घर पे और ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कि ये ट्रैक्टर का जो सेल्फ है ये देख रहे हो आप, कट कट की आवाज़ आती है, बैटरी हमारी नहीं है, चार्ज हो रखी है, फिर भी चाबी लगाते हैं तो सेल्फ टक टक करता है, स्टार्ट नहीं होता है, तो वही प्रॉब्लम आज हम बताएंगे दोस्तों। मैंने ठीक किए हैं सिर्फ 100-150 रुपये के अंदर और आपको मैं बता देता हूँ। अभी इस सेल्फ के अंदर मैंने इसकी प्रॉब्लम वही थी वो मैंने निकाली थी इसके अंदर। काफ़ी लोगों को आपको पता है मिस्त्री कहीं पर ले जाते हैं मिस्त्री के, तो वो मिस्त्री बोलते हैं टक की आवाज़ आ रही है तो इसकी कोयल ख़राब हो गई है, इसके बारे में वो बता देते हैं और आप कोयल को चेंज करवा लेते हैं। कोयल को चेंज करवाने के बाद में भी 1200-1300 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये ऐसे ले लेते हैं कोयल के, लेकिन मैं मात्र सिर्फ 100-150 रुपये के अंदर आपको मैं ठीक करके जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, खुद, ठीक है। तो मैं जो टक टक की आवाज़ करते हैं या आप मिस्त्री की चेंज भी करवा रहे हैं तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको घर पर ठीक कर सकते हैं, सिर्फ कोयल के 2 स्क्रू खोलने हैं पेचकस से और इसको आप ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो टक टक की आवाज़ आती है वो प्रॉब्लम ये थी, कोयल अच्छे से काम कर रही है, बराबर काम कर रही है, लेकिन जब कोयल काम करती है तो करंट सप्लाई बैटरी का सेल्फ के अंदर भेजती है, तब क्या करता है जो के प्लंजर कट जाते हैं या कट भी नट होते हैं, ये टर्मिनल वाले बड़े ये भी कट हो गए थे, तो इसका ये पत्ती आपस में अच्छे से टच नहीं हो रही थी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे टच नहीं हो रही थी, करंट सप्लाई नहीं जाती है, तो वो प्रॉब्लम होती है, कट कट की आवाज़ आती है, ठीक है। चाबी लगाते हैं सेल्फ टक टक बोलते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं होता, नहीं राउंड लेता है, तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर जो केप नट बोल्ट होते हैं, ठीक है, ये केप इसी तरीके से सेल्फ को केप प्लेंजर चेंज करके सेल्फ की प्रॉब्लम मेट सकते हैं, ठीक है, सिर्फ 150 रुपये में। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।